morning everyone, how are you all? Hope you are fine. Yes, so अभी हम ABCD पढ़ रहे हैं, right? This is your English lesson. We'll first revise ABCD. Okay, ABCD rhyme. Okay, so sing with me. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time wants to sing with me. Yes? So अभी हमने A पढ़ लिया है, B पढ़ लिया है. Then today what we are going to learn? We are going to learn C. We are going to learn C. अब आपको देखना है C दिखता कैसे है? Yes, this is letter C. C. और उसका sound क्या आता है? K. C, K, camel. Okay? We will learn it through our book also. अभी हम book में से कुछ pictures पढ़ेंगे. Then we'll see the video. And then we will learn how to write C, K. Okay? So let's go. ओके बेटा, तो आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे सी दिया हुआ है. सी की बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं विच वी आर गोइंग टू रीड. व्हाट यू हैव टू डू, आपको मेरे साथ में बोलना है, ठीक है? सी का विच लेटर इज दिस? सी. सी एंड द साउंड इज कमिंग क. सी ख. सी ख कैट. सी ख कैंडल. सी क कार. सी क कॉम. सी क कप. सी क क्रो. सी क केक. ये अभी आपको नहीं पढ़ना है. सी क काउ. सी क क्लॉक. सी क व्हाट इज दिस? यस, दिस इज कैप. अगेन वी विल रिवाइज वन मोर टाइम. सी क कैट. सी क कैंडल. सी क कार. सी क कॉम. सी क कप. सी क क्रो. सी क केक. सी क काउ. सी क क्लॉक. सी क कैप. ओके, सो यू हैव टू रीड दिस पेज. आपको ए और बी वाला पेज भी पढ़ना है. आई विल रिवाइज इट वंस अगेन, बट टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस ओनली. सी क. ओके, नाउ विल सी सम मोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सी क. लेट्स वॉच. हियर कम्स द लेटर सी. सी इज फॉर कैट. क क कैट. सी इज फॉर केक. क क cake. C is for car. K, k, car. C is for cap. K, k, cap. C is for clean. K, k, clean. C is for clever. K, k, clever. C is for clock. K, k, clock. C is for cupboard. K, k, cupboard. Okay, so we have seen so many objects of C ka sound. C letter ke humne bahut sare pictures dekhe, theek hai? Now we will लर्न हाउ टू राइट. हम देखेंगे हमें इसे लिखना कैसे है, ठीक है? तो इन पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 पे आपको ये दिया हुआ है, सी बना हुआ है, ठीक है? सी का कैट. तो यू हैव टू राइट इट. दीज आर टू पेजेस, 52 एंड 53 पेज यू हैव टू डू. सी हाउ आई एम राइटिंग. विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. मेक अ कर्व. नीचे आएंगे अगेन, थोड़ा सा हमें ऊपर जाना है. ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट.
बिल्कुल हल्का सा स्ट्रेट जाके फिर हमको एक कर्व बनाना है, वापस आना है और यहाँ पे स्टॉप करना है। ठीक है, रेड लाइन पे नहीं जाना है, आपको पता है रेड लाइन पे हमें नहीं जाना है। वी हैव टू राइट इन दिस 3 लाइन्स, इन 3 लाइन्स के अंदर ही लिखना है हमको। विल अगेन प्रैक्टिस इट लाइक, ये पैटर्न में भी आपने बनाया हुआ था वैसे ही बनाना है। थोड़ा सा इसको हमको हल्का सा ऊपर लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पे लाके छोड़ना नहीं है इसको, थोड़ा सा अपनों को फिर वापस से ऊपर लेके जाना। अगेन वी विल डू, ओके नाउ यू सी आई एम मेकिंग हेयर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग रेड लाइन के थोड़ा सा नीचे से, ओके सी कर्व। सो दिस, इन दिस वे वी आर गोइंग टू राइट। तो आपको दिस पेज नंबर 52 और 53 के ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है सी कर्व साउंड बनाने की, ठीक है। और हमको बोलते भी जाना है, हमको ABCD भी डेली रिवाइज करना है, और हमको बोलना है कि हम कौन सा अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं। लाइक अगर हम B लिख रहे हैं तो हमें B बोलना है, अगर हम C लिख रहे हैं तो हमें C बोलना है। ओके तो बेटा अभी हमने क्या लिखना सीखा, सी लिखना सीखा, सी क लिखना, हमने सी का साउंड क्या आता है क, हमने आज सी लिखना सीखा, ए बी और सी हमने आज लिखना सीखा। अगर आप सी अच्छे से बना लेते हैं तो आप एक पेज पे ए बी और सी भी लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके तो दिस वॉज आवर लेसन टूडे सी क। अगेन वी आर गोइंग टू मीट विथ वन मोर लेसन, टिल देन बाय बाय।